नमस्कार दोस्तों, विकास शर्मा एजुकेशन पर आपका स्वागत है। पहले तो आप सबको बधाई कि हमारा चैनल जो विकास शर्मा एजुकेशन 2K 2000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ये तो मामूली लगता है, तो कोई बड़ा नंबर नहीं है। यूट्यूबर्स मिलियंस होते हैं और जब जर्नी शुरू करते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आप सबका दिल से आभार। हमारे एक साथी शिक्षक के साथ काम करते जसराज, उन्हें एक सेशन लेना है। जियो बोर्ड की एक्टिविटी उन्हें दिया गया है, तो उन्होंने मेरे परिचय है, हमारे साथ काम किया है पहले उन्होंने, कि क्या सेशन में करें। तो अब जो आज की वीडियो है या आने इस कुछ पार्ट्स बनाई छोटे छोटे चंक्स में, तो इसमें हम इस तरह बनाइए कुछ, यानी कोई भी एक सेशन डिजाइन कैसे होता है, हम कैसे इंगेज करेंगे अपने पार्टिसिपेंट को। तो एक्टिविटी इस तरह की हैं कि हम डायरेक्ट टीचरों के साथ स्टूडेंट के साथ कर सकते हैं, सोल्यूशन भी साथ में बताए गए हैं जो हेल्प करेंगे किसी को भी फैसिलिटेट करने में सेशन को। तो जियो बोर्ड ज्योमेट्री का हम सोचते हैं, पर उसमें और कुछ भी किया जा सकता है, आप ये भी जानेंगे और ये भी देखेंगे कैसे एक्सप्लोर यानी गणितीयकरण कैसे किया जा सकता है। केवल प्रोसीजर लर्निंग वाला आप मेरे चैनल कंटेंट में देखेंगे, उसकी मैं कवायद भी नहीं करता हूँ। हमारा चैनल की जो मेन फोकस है समझ और गति का समझ, जियो बोर्ड्स का उपयोग करेंगे तो वो आप आगे देखने वाले हैं और कैसे एक उसको फैसिलिटेट किया जा सकता है जियो बोर्ड के सेशन को, उसके ऊपर ये एक्टिविटी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। कोई भी TLM की कामयाबी या सक्सेस, वो कितना अच्छा TLM है, ये इस पे डिपेंड करता है कि उस TLM पर कितना ज़्यादा बातचीत की जा सकती है, कितने ज़्यादा एक्टिव लर्निंग एक्सप्लोर करने के मौके बच्चों को देता है, ना कि कुछ चीज़ों को दोहराव करने के, रिपीट करने के। जियो बोर्ड पे अलग अलग तरह से लोग यूज करते हैं, उस पर कुछ शेप्स बनाते हैं। जियो बोर्ड पे कितने तरह की एक्टिविटी की जा सकती हैं और कितने तरह से मैथमेटाइजेशन किया जा सकता है, जो न्यू कमर्स हर एक को सेम चैलेंज देगा और गणित का जो फन होता है, आनंद आता है, वो आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे आसान सी एक्टिविटी आने के लिए, आप या तो बहुत सारी पिन अपने पास रखें या कागज़ के डॉट डॉट जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस तरह के जियो बोर्ड के रिकॉर्ड हम दे देंगे लोगों को, जिस पर वो यूज कर सके, करके देख सके। क्योंकि केवल मोनोलॉग या कोई बता रहा है तो उसमें मज़े नहीं आएंगे, है ना। गणित करने की चीज़ होता है, एक्सपीरियंस लर्निंग करेंगे, करके देखेंगे, उलझेंगे, गलतियाँ करेंगे और एक दूसरे सीखते हुए हम जियो बोर्ड पर अपनी समझ बना रहे होंगे। तो पहली एक्टिविटी आपको सिंपल लाइन सेगमेंट जो क्लासरूम में रेखाखंड हमने बताया है, बनाइए कैसे लाइन सेगमेंट आप बना सकते हैं। तो पार्टिसिपेंट बनाएंगे, जैसे आपको दे ABCDEF। अब सवाल हम यहाँ पे उनसे ये करेंगे, अपने सब प्रतिभागियों से, हमने जो स्टूडेंट हैं या हमारे साथी शिक्षक हैं, अगर मैं फैसिलिटेट कर रहा हूँ सेशन को, कि ABC की क्या मैं तुलना कर सकता हूँ, क्या मैं बता सकता हूँ कौन छोटा है कौन बड़ा है। जी हाँ, कुछ साथी बताएंगे, बता सकते हैं कि जैसे मुझे दिखाई दे रहा है डी सेगमेंट बड़ा है ए से, डी सेगमेंट बड़ा है बी से, या ई सेगमेंट बड़ा है ए से। क्या आप बता सकते हैं क्यों आप ऐसा कह रहे हैं, कैसे अपनी बात, क्यों, गणित तो तर्क पे चलता है, आप बताइए, प्रूफ भी कीजिए। तो अब थोड़ा सा परेशानी, यानी ये तो दिख रहा है ओबियसली कि ये बड़ा है, पर इसको तो ये तो आसान था ओबियसली, दिख रहा था बड़ा है, पर जब हम उसके पीछे कारण है जो हमारे माइंड में समझ में आ चुका था उसको व्यक्त करना, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन अपना में एक बड़ी स्किल है और अपना में एक बड़ी चुनौती भी है। आप भी करके देखिए, पोज करके कैसे समझाएंगे कि डी जो है वो बी से बड़ा है या डी जो है वो ए से बड़ा है। एक हिंट मैं दिए चलता हूँ, एक अच्छे फैसिलिटेटर की यही पहचान, कुछ सुझाव या कुछ हिंट देगा, बाकी सवाल तो हम मिलकर तलाशेंगे। कि जैसे अभी आप ये डायग्राम देख रहे होंगे स्क्रीन पर, कि ए को अगर बी से मुझे बड़ा बताना है तो मैंने बी से दो साइड का एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बी से शेप बनाया, उसके ऊपर ए और एक और ए, यानी आप दिखाई दे रहे होंगे जो पी क्यू है, पी क्यू में दो ए आ रहे हैं और ये बी और ये तीनों आपस में बराबर हैं, और जबकि पी क्यू में दो ए आ रहे हैं और वो अकेला सिंगल भी है, इधर भी सिंगल भी है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि जो बी है वो ए का डबल है। तो इस तरह से हम बाकी के लिए भी तर्क से कुछ ढूंढ सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा, अब अगली गतिविधि, आप भी गतिविधि करके देखिए और बताइए अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। गतिविधि नंबर दो, जियो बोर्ड से एक और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हम अपने पार्टिसिपेंट को रिकॉर्ड दे देंगे, यानी जिस पे वो जियो बोर्ड पिन गत्ते और पिन दे दें तो बहुत ही अच्छा है, रबड़ बैंड दे उसको बना के देख सकें, इतने जियो बोर्ड अवेलेबल हैं हमारे पास। तो नहीं तो जनरली जियो बोर्ड एक फैसिलिटेटर के पास ही होता है, बाकी साथियों को पेपर के बने हुए जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस तरह के जियो बोर्ड रिकॉर्ड करने के लिए दे देंगे, जैसे पेन से भी वो बनाकर देख सकते हैं। अगर पिन रबड़ दे दें तो सोने में सुहागा, उससे अच्छे तो कोई बात ही नहीं है। इस गतिविधि में चैलेंज ये है कि अब मैं प्रतिभागियों से ये कहूँगा कि आपको अब ये जो आपको लाइन सेगमेंट दिखाई दे रहा है,
आप इस जियो बोर्ड पर कितनी डिफरेंट लेंथ के, कितनी अलग अलग लंबाई के सेगमेंट, लाइन सेगमेंट बना सकते हैं, रेखाखंड बना सकते हैं, ट्राई कीजिए। अलग अलग प्रतिभागी ट्राई करेंगे, कुछ ए बी बनाएंगे, कुछ बी बनाएंगे, सी बनाएंगे, पर आप जितने पॉसिबल हैं उतने बना के ट्राई करने हैं, कितने तरह के लाइन सेगमेंट बनाए जा सकते हैं। तो लगवा ट्राई करेंगे, कोशिश करने दीजिए थोड़ी देर, और उसका आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कितने तरह के हम लाइन सेगमेंट इसमें बना सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी जो हम जियो बोर्ड पर करने जा रहे हैं, तो अभी आपने पहली दो एक्टिविटी देखी लाइन सेगमेंट जुड़ी हुई, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते चले जाएंगे चुनौती का भी, इंटरेस्टिंग होने का भी, क्योंकि जितना ज़्यादा मैथ में चैलेंज बढ़ता है उतना ज़्यादा फन आ जाता है। तो जियो वर्ल्ड की इस एक्टिविटी में एक सेप मैंने आपको बोर्ड दिखाई, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, और रिकॉर्ड करने के लिए हम उन्हें कुछ जियो बोर्ड पिन वगैरह अवेलेबल करवाएंगे, या फिर जैसे मैंने बताया था पेपर का एक रिकॉर्ड देंगे जहां वो ट्राई कर सकते हैं। आपको करना क्या है, ये जो सेप आप देख रहे हैं इसकी केवल ए और बी, और मैंने इसी को नाम दिया है और किसी को नाम भी नहीं दिया है, इसी को आपको हिलाने की, मूव कराने की इस रबड़ को इजाज़त है। अब आपको कितने इसको हिलाकर, जैसे इसके अंदर कितनी साइड्स हैं, अगर हम गिने काउंट करें तो 6 साइड्स का बना हुआ है ये, तो कितने 6 साइड से बड़ा बनाना है, 7 × 8 = 9 = 10 = 11 = 12 = 13 कितना आप बना सकते हैं, क्या आप बना सकते हैं, केवल ए बी को आप मूव कर सकते हैं, बाकी साइड को ऐसी रखना है। इस एक को बढ़ाकर कितनी ज़्यादा साइड का पॉलीगन आप बना सकते हो, ट्राई करना होगा, थोड़ा माथापच्ची होगी और आप देखेंगे कि वाकई बेहतरीन रिजल्ट आने वाले हैं। आंसर क्या क्या हो सकते हैं, अच्छा फैसिलिटेटर केवल हिंट देता है, हिंट तो आप देंगे ही, बाकी उन्हें करने देंगे, उसके बाद में उन्हें बता देंगे कि देखिए 7 8 9 10 11 12 13 कि इस तरह आप इसको क्रैक कर सकते थे इस प्रॉब्लम को, मजे आएंगे। और शायद अभी तक जो हम जियो बोर्ड पर केवल रबड़ से स्क्वायर, ट्रायंगल और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बना के कह देते कि जियो बोर्ड का यूज हो गया, तो हम देख रहे होंगे जियो बोर्ड को तो इस तरह भी यूज किया जा सकता है। जियो बोर्ड की नेक्स्ट एक्टिविटी है, नेक्स्ट चैलेंज है, मैं अपने प्रतिभागियों से कहूँगा कि आपको जो मैं दिखाई दे रहा है यहाँ पर स्क्रीन पर, एक स्क्वायर मैंने बना दिया है जियो बोर्ड से, अब इस स्क्वायर को सेकंड फिगर जो है उसको मैंने इस तरह डिवाइड किया है कि दोनों तरफ ये एरिया जो है इक्वल आ रहा है दोनों का। अब आप इस तरह के कि दोनों तरफ इक्वल एरिया आना चाहिए, कंजूरेंट समान पार्ट में बांटना है, कंजूरेंट पार्ट बोल सकते हैं, तो समान हिस्सों में मुझे विभाजित करना है, और कितने तरीके से विभाजित कर सकते हो आप, तो यहाँ पे कितनी वैरायटी मल्टीपल, यानी आता है अच्छी समस्या क्या होती है जिसके एक से अधिक आंसर हों और सारे आंसर ठीक हों, तो ये वो जियो वर्ल्ड में भी ओपन एंडेड क्वेश्चन करने के हमें मौके मिले हैं, इसे हमें छोड़ेंगे नहीं। तो आप ट्राई कीजिए, आंसर्स क्या कितने तरह हो सकते हैं आप स्क्रीन पर ये पॉसिबल आंसर देख सकते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 9 तरह से सोल्यूशन, और आप देखेंगे वाकई कि आप कितने तरह से हल कर पाए थे, क्या आप 9 के 9 सोच पाया था ये ग्रुप, जिस ग्रुप को हमने एक एक्टिविटी दी है, या कुछ रह गए थे तो आप पूरा कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं एक्टिविटी को, ग्रुप में छोटे छोटे समूह में भी कर सकते हैं। तो आपकी आप इस एक्टिविटी करवा के देखिए, एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर साझा कीजिए कि आपका अपना चैनल है। इस तरह के रिकॉर्ड्स हम यूज कर सकते हैं अपने पार्टिसिपेंट को आंसर के लिए। पिन मैंने बताया, अगर पिन वगैरह का जियो बोर्ड हम उपलब्ध करा दें गत्ते तो रबड़ तो बहुत ही अच्छा होगा, नहीं तो हम इस तरह कॉपी पेंसिल से भी दे सकते हैं करने के लिए, क्योंकि मिनिमम रिसोर्स से मैक्सिमम प्रोडक्शन करना ही एक अच्छे टीचर और एक अच्छे इंजीनियर की पहचान होती है। अच्छा, अगली एक्टिविटी, अब हम जियो बोर्ड की एक्टिविटी के आगे के चरण में बढ़ते हैं। तो आज आप जो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ अगली एक्टिविटी में, एरिया की कैसे हम बात करें, तो इसके लिए जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक मैंने छोटा स्क्वायर बनाया हुआ है, एक दूसरी शेप बनाई हुई है, यानी पूरे जियो बोर्ड को मैं दो तरीके से बनाई हुई हैं। आपको करना क्या है, पार्टिसिपेंट से कहना है कि इसको फिल कर दे रबड़ से, तो इस तरीके को सेप बन जाएगी जो आप अब स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब आपको बातचीत करनी है कि ये एक यूनिट है, अगर इसे एक यूनिट माने, छोटा वाला बनाया था, तो ऐसे कितने यूनिट इस दूसरी सेप में है, और जिस जब आप इसे गिन रहे हो एक्चुअली आप एरिया काउंट कर चुके हो, क्योंकि ये 12 स्क्वायर यूनिट हुआ, ये 12 यानी इस छोटे जो स्क्वायर एक है, तो इस तरह के 12 स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से बनी हुई दूसरी फिगर है, और यही इसका एरिया है। एरिया इसी तरह जो परिभाषाएं आपने बत याद करते हो उसको छोड़ो, जो फील किया है, क्या ये एरिया नहीं है, तो अब आपने एरिया फील कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है, तो बहुत सारे एरिया आपको बनाने हैं, जैसे आपको स्क्रीन पर मैं दे रहा हूँ, और आप इनका एरिया बताइए, ये आपके पार्टिसिपेंट बताएंगे, क्योंकि आप समझ चुके हैं। इंटरेस्टिंग सबसे ज़्यादा एरिया में क्या होता है कि अब जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि किसी एरिया को विजुलाइज करना, क्या ये जो सेप है इस सेप को जिस तरह से आपको दिखाई दे रही है
एक रेक्टेंगल और उसके बीच में ट्रेंगल बन गया, इस तरह से कोई विजुलाइज करे तो कितने हायर ऑर्डर का वो मैथ कर रहा है और कितने आसानी से वो इसका अब एरिया बता भी पाएगा। तो एक ही फिगर को किसी और में चेंज करना, ये एक बच्चे भी इसको बहुत अच्छा से करते हैं क्लासरूम में अगर हम उन्हें ऐसे अवसर दें। तो जियो बोर्ड पर इस तरह की इंटरेस्टिंग एक्टिविटी भी की जा सकती हैं, केवल सेप्स ही नहीं बताए जा सकते, बार बार बात कर रिपीट कर रहा हूँ। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि TLM को हमें क्या करना है, हम उसे कितना इनोवेटिव हो पाते हैं। तो मैं आपको दे रहा हूँ कुछ फिगर्स, आप उनके एरिया बताइए, अपने प्रतिभागी को बांट देंगे, प्रतिभागी उनका एरिया बताएंगे और उस पर डिस्कस कर सकते हैं कि आपने एरिया कैसे निकाला, क्या चैलेंज आपके सामने आए और उन चैलेंज को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। अगर ये रूल बन जाएंगे तो अगली बार जब बच्चों के साथ या किसी दूसरे समूह के साथ इस काम करेंगे तो आसानी होगी। जियो बोर्ड से जुड़ी अगली एक गतिविधि जो जियो बोर्ड पर की जा सकती है बच्चों के साथ में, त्रिभुज को सिखाना। आपको रबर बैंड से सबसे जल्द पहले अगर कोई बच्चे सेप बनाते हैं, त्रिभुज बनाना आसान भी होता है, तो कितने तरह के त्रिभुज बनाए जा सकते हैं आप देखेंगे कि अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाने को कहूँ कि आप कितने राइट एंगल ट्रायंगल इस दिए गए जियो बोर्ड पर बना सकते हैं, तो आप बनाने की कोशिश की कितने बना सकते हो, आप आएंगे 9 राइट एंगल ट्रायंगल आप बना सकते हैं इससे, बना के देखिए। मैंने आपको आंसर बताया दिया है, पर ये जो ट्रायंगल इस पीस दिखाई दे रहा है इस तरह के, ये मिस हो जाता है अक्सर, ये जो शेप होती है एल शेप वाले, इसी को हम राइट एंगल ट्रायंगल मानते हैं, पर ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एक विशेष ध्यान रख। अगली एक्टिविटी में आप देखेंगे कि ऐसे ट्रायंगल बनाइए जिनकी दो साइड्स इक्वल हों, आइसोसेलस ट्रायंगल कितने बन सकते हैं, ट्राई करने को दे, पार्टिसिपेंट बनाएंगे इसको, इसका आंसर आप स्क्रीन में देख सकते हैं, इतने तरह के आइसोसेलस ट्रायंगल इस जियो बोर्ड पर बनाए जा सकते हैं। तो है ना इंटरेस्टिंग, यानी इस तरह छोटी छोटी एक्टिविटी से हम बातचीत कर सकते हैं, मैथ को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने माइंड मैथमेटाइजेशन ऑफ थॉट, जो मैथ पढ़ने का एक बड़ा लार्जर एम है, उस ओर आगे बढ़ सकते। अगली एक्टिविटी जो हम की जा सकती है कि पहले स्क्वायर बनाने हैं, तो एक खाने का धीरे धीरे बढ़ाएंगे, कितने तरह के स्क्वायर हम इस जियो बोर्ड पर बना सकते हैं, तो बना के देखिए, ट्राई कीजिए, तो आप देखेंगे जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं ये स्क्वायर्स हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि जैसे 3 डॉट हमने नीचे के लिए लिए, 3 इधर लिए, तो इसका एरिया भी हम हाथों हाथ हमें फाइंड आउट होता जा रहा है, 9 है, 4 है, 16 है, 1/1 का 1 है, अगर 8 है तो साइड कितनी होगी, ये थोड़ा पेचीदा हो गया है। तो इसको निकालने के लिए हिंट में दे देता हूँ कि इसका निकालने के लिए आप अगर देखेंगे, ये जो ऊपर के कोने को मिलाएंगे नीचे को मिलाएंगे तो ये रूट की हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। अब क्योंकि अगर जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बता देता हूँ कि ये 2 दिखाई दे रहा है, तो 2 कब आया होगा, जब साइड रूट 2 रही होगी, तो थोड़ा रूट में पहुँच गई ये बात, तो पर इसे भी निकाला जा सकता है। तो ये थोड़ा जितना हमारा ग्रुप है उस ग्रुप के साथ कैसे बातचीत करें उस पर हम देख सकते हैं, ये हिंट मैंने दे दिए, तो बाकी आप समझ सकते हैं। जो 5 है तो उसकी एरिया 5 है, तो आपको पता है कि जो फार्मूला होता है साइड इनटू साइड है, तो एरिया पता है तो साइड हम निकाल ही सकते हैं। आप 1, 4, 9, 16 जो स्क्वायर नंबर होते हैं उनका स्क्वायर बना ही सकते हैं, पर रूट की हेल्प से 2, 5, 10 और 8 के भी बना सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि 1, 4, 9, 16 के बनाना थोड़ा आसान होता है क्योंकि स्क्वायर नंबर हैं, पर जैसे ही हम इस 2, 5, 10, 8 का ये चैलेंज मिलता है तो इसमें सबको सोचना पड़ेगा, हमारे साथियों को जिसके साथ हम गतिविधि कर रहे हैं, पर इस चैलेंज को स्वीकार करें और कैसे वो 2 ऐसा स्क्वायर बनाएं जिसका एरिया 2 स्क्वायर यूनिट है, 5 स्क्वायर यूनिट है, 10 स्क्वायर यूनिट है, 8। तो ये थोड़ा चैलेंजिंग है, पर इस चैलेंज को आपको भी मजे आएंगे और यहाँ पे जियो बोर्ड में हम उसे आगे पीछे रबड़ को मूव करके मौके भी दे रहा है, कर सकते हैं चेक, अपना बना सकते हैं। ऐसे सिंपल एक्टिविटी हम दे सकते हैं, जैसे आपको मैं कुछ लाइन सेगमेंट दे रहा हूँ, अब आपको लाइन सेगमेंट की लेंथ बतानी है, कितने यूनिट है, 1, 2, 3, 4, अब इसे डायगोनल थोड़ा खींच दें, अब बताएं, थोड़ा लेवल बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे कि जैसे ये जो मैं स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको लाइन सेगमेंट खींच के प्रतिभागियों को दूंगा और बताएं कि कितनी इसकी लेंथ है, तो वही मैथमेटिकल आइडिया यूज करेंगे और शायद पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए इनको आसानी से बता भी देंगे, हिंट दे रहा हूँ, पर आप उन्हें थोड़ा जूझने दीजिए, बताइए आप बता सकते हैं, बता सकते हैं, बाद में सोल्यूशन भी बता दीजिए किस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। हिंट क्या है, आप इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और डायगोनल की लेंथ निकाल लेंगे। पाइथागोरस की बात हुई है क्योंकि अभी तक हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकाल ही रहे थे, तो पाइथागोरस थ्योरम को भी इससे प्रूव किया जा सकता है। तो मैंने कहा ना, जियो बोर्ड के कितने सारे यूज कर सकते हैं वो आप मेरे साथ जुड़कर जान रहे हैं। एक ही रिक्वेस्ट है, आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिस ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो पहुंचे और ज़्यादा ज़्यादा क्लासरूम में मैथमेटाइजेशन ऑफ थॉट पर काम हो रहा हो। क्योंकि मैं इस चैनल वीडियो बनाने के लिए जब रिसर्च कर रहा था तो अधिकतर मुझे जियो बोर्ड बनाते कैसे हैं या केवल शेप दिखाई दे रही थी, ट्रेंगल, स्क्वायर,
तो उनसे मुझे काफ़ी मतलब जानने को तो मिला, पर और भी बहुत कुछ मतलब किया जा सकता है। इसलिए फिर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप देखें कि हम कितनी मौके हैं, हमारे पास अवसर हैं, इन अवसर को क्यों जाने दें। जब हम किसी चीज़ से इतना ज़्यादा कर सकते हैं तो कम से समझो पर क्यों मान जाए, संतुष्ट हो जाए। तो पाइथागोरस थ्योरम को आप देख सकते हैं किस तरह से, जैसे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हम यहाँ पर बड़ी बना पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है को यहाँ पर दिखाया जा सकता है जियो वोल्ट की सहायता से। इस तरह आप देख सकते हैं कितनी बार इसे अलग अलग यूज करते हुए पाइथागोरस थ्योरम को दिखाया गया है। तो बच्चे बनाएंगे, फन करेंगे, ढूंढेंगे अपने पाइथागोरस त्रिक कौन कौन से होते हैं, उसको वेरीफाई भी कर रहे होंगे स्क्वायर को गिनकर। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम भी कर ली जियो बोर्ड के माध्यम से। आइए अब बढ़ते हैं अगली एक्टिविटी की तरफ, पैरामीटर। अभी तो हम कुछ एरिया की बात कर रहे थे, तो पैरामीटर सिंपल जो हम परिभाषा है बताते हैं। तो यहाँ पे जो हम इस बच्चों को यूनिट गिनने को देंगे, कितनी यूनिट ये चारों ये बाउंड्री है, यही पैरामीटर है। तो कुछ नहीं करना है, केवल बाउंड्री बच्चों को ट्रेस करनी है, बताना है अब जो आप बता रहे हो या आपने पैरामीटर निकाल दिया है। अब एरिया और पैरामीटर में रिलेशन के लिए सबसे आसान गतिविधि, सबसे पहले हम कुछ शेप्स देंगे। आपने अभी अब एक बताया कि अगर ये इसे पैरामीटर की समझ बनाई है तो बताइए कि पैरामीटर इनका, तो ये प्रतिभागियों को बांट दीजिए जिनके साथ हम सेशन कर रहे हैं। अगर वो स्टूडेंट हैं, हमारे साथ शिक्षक हैं, तो आप गिन के बताएंगे कि कितना पैरामीटर आ रहा है। अगर वो ठीक जा रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प करेंगे और अपना तर्क भी देंगे कि उन्होंने कैसे निकाला। ये बहुत ज़रूरी है, ये भी बताएं कि हमने ये जो भी आंसर पाया है कैसे पाया है। अब इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। अब आपको ऐसा पॉलीगन बनाने हैं जिसका पैरामीटर तो 14 रहे, है ना, आप समझ गए ना पैरामीटर का कंसेप्ट क्या होता है। और जो एरिया है, एरिया डिफरेंट डिफरेंट आए, कितने डिफरेंट एरिया बना सकते हैं और पैरामीटर 14 रखना है। तो आप ट्राई कीजिए कितने तरह की शेप आप बना सकते हैं, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यानी कितना हायर ऑर्डर का सवाल है, आपको सोचना पड़ेगा कि पैरामीटर 14 कर दिया है। आप रबड़ को जियो बोर्ड पर जब आप पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हो तो बना के देखिए यूनिट वाइज जो रिकॉर्ड आपको दिए गए हैं और अपने कीजिए, तो आप देखेंगे कि आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, सोल्यूशन वो भी यहीं मिलेगा आपको। थक गए तो चेक करिए और मैथ की ब्यूटी पर फक्र कीजिए और देखिए क्लासरूम में अगर आप इस तरह मैथ की बातचीत करेंगे तो क्या होने जा रहा है क्लासरूम में। मैथमेटाइजेशन ऑफ थॉट जो NCERT के डॉक्यूमेंट पे है उतार रहे हैं क्लासरूम में। आप देखिए कि इस अभी जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं सबका एरिया 6-7 स्क्वायर यूनिट, 8 स्क्वायर यूनिट, 9 स्क्वायर यूनिट, 10 स्क्वायर, 11, 12 और जो पैरामीटर है वो चेक कीजिए ज़रा, 14 यूनिट है। तो यही है ना, और भी पॉसिबल आंसर हो सकते हैं पर आप कुछ पॉसिबल आंसर मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दिए हैं। इस तरह के सवाल आप ट्राई कर सकते हैं, ये गतिविधि करके जरूर देखिए। जियो बोर्ड से एक और गतिविधि आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बच्चों के साथ जब एक्टिविटी करेंगे तो हम अलग अलग शेप्स के स्क्वायर बनाकर दे दें और बच्चे लिखें कि उनका टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितने, उसका स्क्वायर यूनिट एरिया है ना, स्क्वायर की साइड का साइड की लेंथ लिखेंगे और जो साइड बाई साइड है उस रूप में फार्मूले को वो यहाँ पे यानी फार्मूला तक पहुंच रहे होंगे, यानी फार्मूला नहीं बता रहे बच्चों को, यानी वो खुद खाने गिन रहे हैं और जैसे ये ग्राफ पेपर की तरह कर रहा है तो हम उस उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को कितने खाने टोटल आए। तो वो तो एरिया, उस हम एरिया बोल रहे हैं, एरिया के बाद साइड एक कितनी स्क्वायर की साइड कितनी है वो खाने गिन सकते हैं कितने खानों से आ रहा है। जैसे आप ये देख रहे हो प्रोफेसर पहले वाला जो है 1, 2, 3, 9 खाने हैं तो 9 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हो गया। 1, 2, 3 स्क्वायर की साइड है तो 3×3 ये आपको मिल चुका है कि हमें कैसे आया है। 3 लेंथ है और चौड़ाई बराबर ही होती है, 3×3 का स्क्वायर है। तो इस तरह के टेबल बनाकर बच्चे एक्सप्लोर कर सकते हैं, फार्मूले को समझ सकते हैं। इसी तरह ट्रायंगल के एरिया पे बच्चों से बातचीत कर सकती है, जब वो इसके एरिया एक्सप्लोर कर रहे होंगे तो देखेंगे टोटल खाने को गिनेंगे, है ना, और लेंथ को गिनेंगे। और एक जो फार्मूला होता है, क्योंकि ये पूरा रेक्टेंगल का बन जाएगा, जो फार्मूला आया था लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हमें उसका हाफ करना होगा। तो आप देखेंगे कि ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, यानी आधार गुणा ऊंचाई बटे 2। तो ये क्यों ऐसा होता है अभी तक हम ये बता रहे थे, पर उसको जब बच्चे अपने हाथ से नए नए रबड़ से शेप बनाएंगे ट्रायंगल की और उनके खाने को गिनकर यहाँ पर उसको एक्सप्लोर करेंगे तो फार्मूला इस बार उनके स्मरण से यानी उनके याद हो जाएगा, वो समझ जाएंगे, अब रटा नहीं है फार्मूला उन्होंने और वो उसको अच्छे से अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर रहे होंगे। अनियमित आकार की गतिविधि भी हम जियो बोर्ड से निकाल सकते हैं। तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि कंप्लीट स्क्वायर को हम गिन रहे होंगे, जितने कंप्लीट स्क्वायर आए हैं उनको एक स्क्वायर यूनिट मान रहे हैं, उसके बाद जो आधे से ज़्यादा हैं उनको एक स्क्वायर मानेंगे और जो आधे हैं स्क्वायर यूनिट उनको आधा मानेंगे और जो आधे से कम है उसको हम छोड़ देंगे, उनको नहीं गिनेंगे। मैं तो रिपीट कर देता हूँ, एक तो पूरे पूरे स्क्वायर यूनिट उन्हें गिन लेंगे, एक स्क्वायर यूनिट मानेंगे उसके एक खाने को,
जो आधे से ज़्यादा हैं उसको भी एक मानेंगे, जो आधे हैं उन्हें आधा मानेंगे, आधा स्क्वायर यूनिट है, और जो आधे से कम है उनको नेगलेक्ट कर देंगे, उन टोटल खानों को गिन लेंगे तो इस समय उसकी फिगर मिल जाएगी। तो कोई भी अनियमित आकृति आप अपना हाथ, अपने पैर, बच्चे छापें और उसका एरिया निकाल सकते हैं जियो बोर्ड से, रबड़ से कोई भी जियो बोर्ड हमारे हाथ में पेपर पर ड्रॉ कर रहे हैं हाथ उसकी भी निकाल सकते थे, उस तरह जियो बोर्ड पर रबड़ को फैलाकर कोई आकृति बनाएं और उसका एरिया हम निकाल सकते हैं। अगली एक्टिविटी हम जियो बोर्ड पर देखें तो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, तो हमने एक जो पढ़ते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया होता है, दो अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं है ना, समरूप हैं, तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं पर बने वर्गों के संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समानुपाती होता है। तो इसको बहुत टेक्निकल हो जाता है पर इसको अगर हम समझें तो कितना आसान है। पहले हम दो ट्रायंगल बनाए एबीसी और डीईएफ, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं एबीसी और डीईएफ, तो सिमिलर हैं तो इन पर हम एक साइड यानी बीसी पर हमने स्क्वायर बना दिया, ईएफ पर हमने स्क्वायर बना दिया, तो इन हम अब क्या दिखा रहे हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, तो इस तरह की टेबल बना लेंगे तो आप देखेंगे एबीसी का एरिया और डीईएफ का एरिया, जो बीसी का स्क्वायर है उसको हम यहाँ लिखेंगे, ईएफ का इसको लिखेंगे, क्या इन दोनों का एरिया का अनुपात बीसी के स्क्वायर और ईएफ के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो जो प्रूफ है जो हमने अभी तक रट रहे थे उसको यहाँ करने का मौका मिलेगा जियो बोर्ड पे और आसानी से हम उसको उस तक पहुँच सकते। जिस तरह की कुछ एक्टिविटी आपने भी देखी तो मेरा मानना है कि हम अपने जो लास्ट में कंक्लूड करते यही बात कह रहा हूँ कि TLM सीखने सिखाने वाले यानी शिक्षक और स्टूडेंट या फैसिलिटेटर और जो पार्टिसिपेंट है उनके बीच में कैसा इंटरप्ले हो रहा है उस TLM के साथ में, वो कैसे संवाद कर रहे हैं वो डिपेंड करता है, वो सार्थकता बनाता है, मीनिंगफुल बनाता है। तो कोई एक्टिविटी या कोई TLM है वो निर्जीव है, उसे जीवंत करना हमारे तुम्हारे हाथ में है। तो यहाँ से आप आइडियाज़ मैंने आपके साथ शेयर किए, इन आइडियाज़ को अप्लाई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस कैसे लगे आपको, किस एक्टिविटी में ज़्यादा फन आया, ज़्यादा मज़ा आया है वो भी मेरे साथ साझा कीजिए। जिस है ना, ये आपका अपना चैनल है विकास शर्मा एजुकेशन, सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।